हेलो डियर स्टूडेंट्स अब आगे वाला हमें देखना है हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर दो वेव्स सुपर पोजिशन है दो वेव्स का और वो अलोंग द सेम लाइन हो रहा है तो उनका रिजल्टेंट भी सेम एस ही होगा तो वो तो हम पहले वाले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं ओके सो अब आगे वाला जो क्वेश्चन था उसका कि एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज एंगल तो वो अब हमें देखना है ओके okay. चलो अब देखते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए वो कैसे निकालते दें ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वी गेट जो ऊपर वाले इक्वेशन है इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री ओके तो उनको क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया और उनको ऐड कर दिया तो फिर हमारे को क्या मिला वी हैव ए का स्क्वायर बना ए स्क्र कॉस का स्क्वायर बना कॉस स्क्र अल्फा प्लस ए स्क्यर साइंस स्क्वायर अल्फा सो so, दूसरी वाली साइड का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा वो क्या बनेगा ए प्लस बी कास फाइव वैकेट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ओके सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई से बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ओके सो जो सेम सेम वाली वैल्यूज होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे तो बच्चा क्या हमारे पास और जो सेम सेम वैल्यू होंगी उनका एडिशन कर लेंगे सो कैपिटल ए स्क्वेयर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई प्लस बी स्क्र ओके तो फिर इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो ए की वैल्यू निकालनी है बट तो हमारे पास वैल्यू कई की है वैल्यू जो है वो ए स्क्र की है ओके सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाइ प्लस बी का स्क्वायर ओके पूरी की पूरी टर्म हमें अंडर रूट में मिल गई तो ये एक्सप्रेशन था हमारा एम्पलीट्यूड का ओके okay, अब रिजल्टेंट फेज देखना है रिजल्टेंट तो पहले 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 था। था। लेकिन अब इस वाले फेज में हमें क्या करना है इक्वेशन थ्री uh, को इक्वेशन टू से डिवाइड करना है ओके सो बी साइन फाइव इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन ए बी कॉस फाइव इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा ओके सो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है वो टैन हो जाता है ओके सो टैन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन फाइ अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइ ओके और जो ऊपर वाला और नीचे वाला कैपिटल ए था वो हमने कैंसिल कर दिया सो so, वो कैंसिल होने के बाद बचा क्या साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज टेन अल्फा ओके सो अब अल्फा का इक्वेशन क्या बना फाइनली अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा इसको इक्वेशन नंबर फाइव दे दिया ओके okay? वो क्या मिला हमारे को फेज एंगल मिला अब यहां हमें दो केसेस स्टडी करनी है कि कब क्या होगा तो केस नंबर फर्स्ट है इफ द एस एच एम आर इन अ सेम फेज देन फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा ये तो पता है कि दो चीजें अगर सेम फेज में हो पैरेलल हो तो उनके बीच में का एंगल क्या होता है वो जीरो होता है सो कॉस अल्फा जो सॉरी जो कॉस फाइ है वो प्लस वन हो जाएगा ओके okay? सो so, वो वाली जो कॉस फाइ की वैल्यू है वो हमें इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर दी इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा ओके सो ये सारी इक्वेशन वैल्यू हमें पुट कर देनी है सो so, क्या बना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया ओके okay? अब ए की वैल्यू जो है वो हमारे को मिली ए प्लस बी ये कैसे मिली तो स्क्वायर और स्क्वेयर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो उन्होंने क्या किया एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे को वैल्यू मिल गई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी की इफ ए इज इक्वल टू बी देन कैपिटल ए इज इक्वल टू टाइस ए ओके okay, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो कैपिटल ए का वैल्यू बन गया ट्वाइस ए ट्वाइस स्मॉल है इट गिव्स द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दैट केस इस केस में क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमें पता है जहाँ रिजल्टेंट uh, हमें कुछ मिलता है मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है देन देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस

क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू रहती है माइनस वन इक्वेशन वन में पुट कर दिया क्या बना वो इक्वेशन फाइव बना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ये काय का एक्सप्लेनेशन है ए माइनस बी का एक्सप्लेनेशन है तो फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी है ओके okay? सो so, अब यहाँ ए इज इक्वल टू बी है तो कैपिटल ए का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा ओके सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी अगर हमने माइनस कर दी तो वहाँ वैल्यू क्या होगी जीरो ही मिलेगी ऑब्वियसली पता है हमें सो इट गिव्स द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और मैंने पहले ही बताया था जहाँ मिनिमम आउटपुट हमारे को मिल रहा है रिजल्टेंट मिनिमम मिल रहा है या फिर जीरो मिल रहा है तो उस केस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हैं ओके okay? तो यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कब जब रिजल्टेंट पावर रिजल्टेंट फेज जो है वो हमारे पास एंगल अल्फ़ा uh, का इक्वेशन है तो एंगल अल्फा टैनल टैन इनवर्स बी साइन अल्फा अपन ए बी प्लस साइन है ओके okay? और ऊपर वाला जो एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन था वो भी हमारे पास है सो so, एक एक वैल्यूज हमने उन सारे इक्वेशंस में पुट कर दी पहला वाला बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा वाला बना रिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके क्लियर